सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन द न्यू वीडियो गाइज। सो गाइज, मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदों को एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा हुआ जायरोस्कोप की। जी हाँ गाइज, यहाँ पे बहुत सारे बंदों का यहाँ पे जायरोस्कोप डिले हो रहा है, बहुत सारे बंदों का अपने आप मूव कर रहा है, मतलब जो जायरोस्कोप अपने आप टिल्ट होता है नीचे साइड वो होता है, और बहुत सारे बंदे का जायरोस्कोप वर्क ही नहीं करता, कभी कभी मतलब काम ही नहीं करता जायरोस्कोप ऑन करने के बावजूद। तो मैं आपको इस वीडियो में जितने भी जायरोस्कोप रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है सब कुछ इस वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट देखना, तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मैक्स और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे वीडियो के लाइक के बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि वो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे यहाँ पे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं चेयर पार्क में, और यहाँ पे जो मेरे जायरो है बिल्कुल अभी ऑफ है, अभी मैं आपको ऑन कर दिखाऊंगा कि क्या सीन हो रहा है मेरे साथ जायरोस्कोप का। तो गाइस यहाँ पे हम अपना जो जायरोस्कोप है फटाफट से ऑन कर लेते हैं यहाँ पे, और आप खुद देखो क्या सीन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चलते सेटिंग में, और यहाँ से जो जायरोस्कोप है इसको अभी ऑन कर लेते हैं यहाँ पे, ऑलवेज ऑन पे कर लेते हैं। और गाइस अभी देखो सीन क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, देखना गाइस क्या सीन हो रहा है। देखो अपने आप फोन टिल्ट, मतलब सॉरी जायरोस्कोप टिल्ट हो रहा है नीचे साइड, और ये देखो घूमने लगता धीरे धीरे, ठीक है। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो आपके साथ वो प्रॉब्लम हो रहा है कि जो आपका जायरो हल्का डिले हो रहा है जब आप स्कोपिंग करते हो, तो हल्का सा डिले हो रहा है जब भी आप मतलब टिल्ट करते हो तो थोड़ा लगता लेट हो रहा है, समझे क्या मतलब। जायरोस्कोप के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम ना आपका सब कुछ सॉल्व कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं जो प्रोसेस करूंगा आपको सब वही प्रोसेस करना सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, एक एमआई यूजर के लिए एक नॉन एमआई यूजर के लिए, ठीक है। तो जो एमआई यूजर है वो हम जो पहला स्टेप करने वाले उसको फॉलो करना, और जो नॉन एमआई यूजर है वो उसके बाद वाला जो स्टेप है मैं आपको बता दूंगा वीडियो में, आप देखते रहो बस, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हम अपने स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और यहाँ पे अपने डायलर पे आना आपको, और वहाँ पे आने वाला आपको टाइप करना है यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक नंबर दिख रहा है आपको, *#*#6463 *#*#, ये आपको टाइप कर देना, ठीक है। जब भी आप इस कोड को टाइप करते हो, और ये कोड बस रेडमी के लिए, मतलब एमआई यूजर के लिए, नॉन एमआई यूजर के लिए मैं इसके बाद वाला पार्ट बताया हूँ, तो आप उसमें देखना। तो गाइस इस टाइप कुछ इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको देखना है जायरोस्कोप कहाँ पे आपका, ठीक है। तो यहाँ पे किसी किसी का FQC टेस्ट होगा या फिर CIT टेस्ट होगा, तो आपको वो सब नहीं देखना है, आपको देखना है जायरोस्कोप कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ढूंढते जायरोस्कोप कहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर पे यहाँ पे मेरा लिखा हुआ जायरोस्कोप, ठीक है। तो सिंपली हम जायरोस्कोप पे टैप करेंगे यहाँ पे, और जब यहाँ पे टैप करेंगे तो आपका यहाँ पे कोड शो होगा, ठीक है, यहाँ पे जो पूरा मतलब फ्लैक्चुएट कर रहा होगा, मतलब वो स्टेबल नहीं होगा, बस फ्लैक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी फ़ोन को हाथ में पकड़ा है और फ़ोन पूरा हिल रहा है, ठीक है, इसकी वजह से ये कोड फ्लैक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, एक फ्लैट सर्फेस रखना, मतलब अपने ज़मीन पर रख देना, या फिर कहीं पर मतलब जो समतल जगह है ना वहाँ पर रख देना इस फोन को। देखो यहाँ मैं अपना जो फ़ोन है उसको यहाँ पर फ्लैट सर्फेस रखता हूँ, और देखना मेरा जो कोड है पूरा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फोन को एक फ्लैट सरफेस रख दिया, और देखो मेरा जो कोड है बिल्कुल यहाँ पे स्टेबल हो चुका है, और एक टाइम पे आपका जो कोड है जीरो पे आकर रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको कैलिब्रेशन पे क्लिक कर देना और कैलिब्रेट कर लेना, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस कैलिब्रेशन पे क्लिक करके बैक आ जाना, ये सब कुछ छेड़खाड़ नहीं करना, ये सब आपका एक्सीलेटर वगैरह है तो ये सब कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। आपको सिंपली बैक आ जाना यहाँ पे, और बैक आने के बाद क्या करना, अपना जो फोन है उसको रिस्टार्ट कर लेना, ठीक है। तो ये तो पहला स्टेप हो गया रेडमी एमआई यूजर के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉन एमआई यूजर या फिर ये जो कोड है जिन बंदों का वर्क नहीं करा, तो आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पे आना है, और प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे सिंपली सर्च करना जायरोस्कोप कैलिब्रेशन, और जो पहला नंबर पे आपको ऐप देखने को मिलेगा सिंपली आपको उस ऐप को इंस्टॉल करना अपने फोन में, और ऐप को आपको इस ऐप से कोई भी मतलब नुकसान नहीं पहुंचेगा, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना, और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक पॉइंटर शो हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंटर को आपको इस रेक्टेंगल के अंदर लाना है, ठीक है। तो करना क्या, आपको अपना जो फोन है उसको एक फ्लैट सरफेस पर रख देना है, ठीक है, फ्लैट सरफेस मतलब जमीन पर रख देना है जहाँ पर मेरा समतल एरिया हो, ठीक है, उस पर रख देना है। तो उस पर रखोगे तो आपका जो ये पॉइंटर ये रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम आपको कैलिब्रेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फोन को रख दिया फ्लैट सरफेस पे, और जैसे यहाँ पे जो मेरा कोड है कोड भी स्लो हो गया हल्का सा, तो अभी यहाँ पर कैलिब्रेशन पर सिंपली हम लोग टैप कर लेते हैं, ठीक है। टैप कर दिया तो यहाँ पर आपका जो हल्का सा स्पीड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लोडिंग लेगा हल्का सा, और लोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको करना क्या, अपने जो फोन है उसको रिस्टार्ट करना है, और रिस्टार्ट करने के बाद अगर आपको चेक करना अपना जा रहे उसको, तो करना क्या है, अपने YouTube पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है VR 360 रोलर कोस्टर, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप पाउज कर देख लो। तो इस टाइप कुछ गेम ओपन हो जाए आपका, और यहाँ से अपने आप जायरो को टेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये कर सकते हो आप, या फिर आप PUBG और BGMI खेलते हो तो यहाँ पे आप BGMI में आके आप चेक कर सकते हो जो जायरोस्कोप है। तो मैं आपको यहाँ पे चेक कर दिखाता हूँ मेरा जायरोस्कोप सही हुआ नहीं हुआ, ठीक है यहाँ पे। तो आप चलते हैं हम सेटिंग में चलते हैं यहाँ पे, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो मेरा जायरोस्कोप है सिंपली यहाँ पे ऑन कर लेते हैं ऑलवेज ऑन पे, और यहाँ पे सो मेरा जायरोस्कोप फुल्ली यहाँ पे सही हो चुका है। तो ये सबसे खतरनाक ट्रिक था जायरोस्कोप सही करने का, और जो कोई डिले वाला प्रॉब्लम तो वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लेना गाइस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हल्का से अच्छा लगा तो दिल से बता रहा एक लाइक कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो मैक्स और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पे मिलते हो नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, चलो टेक केयर एंड बाय।
Yo, I ain't here for the money.